तो वहीं मध्य प्रदेश उज्जैन के खाचोत नगर में अहमद बड्डारी ने, जिनकी उम्र 63 वर्ष है, जिन्होंने अपनी सांसारिक सुखों को त्याग कर अब धर्म की ज्योति को जलाने के लिए उन्होंने दीक्षा ली। 15 जनवरी 2022 को राजस्थान के ख्यात मालपुरा जैन तीर्थ में आध्यात्मिक गुरु मुनिवर महेंद्र सागर व मनीष सागर महाराज साहब की निष्ठा में जैन भगवती दीक्षा अंगीकार करेंगे। जैन मूर्ति पूजक समुदाय ने लगभग 1 शताब्दी के बाद भी कोई शायद नगर से दीक्षा ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर कपड़ा व्यवसाय संघ ने संत बनने जा रहे हेमंत बड्डारी का स्वागत और सम्मान कर आशीर्वाद लिया। वहीं मीडिया से चर्चा में कहा कि आमजन को मनुष्य जीवन जीने का सही तरीका कोरोना महामारी ने दिखा दिया। मनुष्य जीवन नश्वर है, आत्मा अमर है, उसी के पहचानो, इसे अंत का जीवन जिया। हेमंत बड्डारी ने 27 दिसंबर 1958 में नगर के धर्म मातुश्री श्रीमती स्वर्गीय कमलाबाई, पिता स्वर्गीय लालचंद भंडारी परिवार में जन्म लिया। बचपन से ही धर्म के प्रति अगाध आस्था रही। धार्मिक तप आराधना स्वाध्याय आदि में पूरा जीवन समर्पित किया। मानव जीवन में आने के बाद में एक लक्ष्य मात्र होना चाहिए कि मेरी आत्मा का कल्याण हो। जैन शासन में आने के बाद में ये समझ में आता है कि जीव दुखी हो तो अपने ही राग से, कोई दूसरा व्यक्ति दुखी कर ही नहीं सकता है जब तक कि स्वयं दुखी नहीं हो। और ये राग द्वेष कैसे टूटे कि जब तक अपने को अपने आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक ये संसार की प्रवृत्ति चलती रहेगी। 84 लाख योनि में जीव इस चक्र में, राग और द्वेष के चक्र में दुखी 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 होता रहेगा। तो राग द्वेष से हटकर विपराकता का मार्ग पकड़ना, यही भगवान महावीर का मार्ग है। ये क्षण तो 10 साल पहले भी आए थे, परिस्थितियाँ बिगड़ती गई बनती गई, भाव आते गए जाते गए। संसार में रहते हैं तो संसार में रचपच जाते हैं, वही विषय कैसा है, लेकिन जब आत्मचिंतन